देखिए जैसे ये कितना हमारा डाई हीट हुआ, कितना टेम्परेचर हीट हुआ, ये कैसे पता करें? ये तो कोई नहीं बताता है भाई, तो आइए मैं बताता हूँ। ये देखिए बिना हीटिंग का कटा हुआ है और ये जो है फुल हीटर सेटिंग करने के बाद, तो ये देखिए कि देखिए जैसे रोल में वेस्टेज आ रहा है, ये देखिए ये, तो इसको कम ज़्यादा कैसे करना है? तो उसको बहुत सारे लोगों का सवाल क्या आता है कि मैं देखता हूँ कि भाई मेरा जो पत्ता का जो क्वालिटी है वो सही नहीं निकल रहा है, मतलब तो सबसे बड़ी बात होती है जैसे अभी देखिए अभी मैं मशीन चालू किया हूँ ये पत्ता कैसे निकल रहा है, तो आखिर इसमें कड़ापन कैसे आएगा, हीटर सेटिंग जो है कैसे किया जाए, हीटर टेम्परेचर हमें कितना पे रखना चाहिए, इस चीज़ की जो है जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। तो अभी ऐसा निकल रहा है, देखिए देखिए इसमें कोई डिजाइन उजाइन नहीं है, और इसी डाई से और इसी मशीन से अभी सेटिंग करके बताऊंगा कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। सो वीडियो के अंत तक देखिए, देखिए सिर्फ गलत कमेंट करने से नहीं होता है बल्कि समझना पड़ता है। वीडियो में समय दीजिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को देखिए, सारा सेटिंग जो है आपको अभी जैसे देख लीजिए ये सही से कट भी नहीं रहा है, फंस रहा है, तो इस सबको कैसे सुधार किया जाए, तो आइए आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ कि कैसे सुधार किया जाता है। मैं बता दूँ कि ये कृष्णा इंटरप्राइजेज के थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मशीन कृष्णा इंटरप्राइजेज के डेमो सेशन में लगी हुई है। ये मशीन जो है ये मशीन है सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई ऑल इन वन मशीन, जिसमें जो है 4 इंच से लेके एवब, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये ऑल इन वन है। मार्केट में जितने भी तरीके का प्रोडक्ट निकलता है सब इसमें बन जाता है। लेकिन भाई लोगों का सवाल होता है कि मशीन ये ऐसा पत्ता निकल रहा है, मशीनें गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, सेटिंग गड़बड़ है, मशीन सही है, क्या सेटिंग करें, कितना टेम्परेचर दें सो हमारा प्रोडक्ट सही निकलेगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आए और मशीन को चालू कर दे, चालू करके और पत्ता निकालना स्टार्ट किए, तो क्या वो प्रोडक्ट सही निकलेगा? नहीं निकलेगा। सबसे पहले हीटिंग प्रोसेस होता है, तो हीटिंग प्रोसेस के लिए देखिए ये दोनों स्विच है हीटिंग प्रोसेस के लिए, तो डाई कितने इंच का है, 6 इंच का है, तो इसे हम देंगे 60 टेम्परेचर। देखिए लाइट ऑन हो गया, ये हमारा देखिए 60 टेम्परेचर दिए हैं और इसको भी हम टेम्परेचर दिए हैं 60, तो ये हमारा लाइट ऑन हो गया, ठीक है। अब लाइट ऑन करने के बाद जैसा कि ये डाई है तो ये छोटा डाई है, तो इसे हीट होने में जो है क्या होगा कि समय लगेगा, तो लगभग लगभग हम लोग क्या करेंगे कि 5 से 10 मिनट का समय देंगे और उसके बाद देखिएगा अभी इस तरीके का जो प्रोडक्ट निकला है ना पूरा, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये जो है किस तरीके का प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरी नंबर बात देखिए, जैसे ये कितना हमारा डाई हीट हुआ, कितना टेम्परेचर हीट हुआ, ये कैसे पता करें? ये तो कोई नहीं बताता है भाई, इतना डाई हमारा हीट हुआ ये कैसे पता करें? तो देखिए अभी हम टेम्परेचर कितना दिए थे, टेम्परेचर 60 दिए थे दोनों को, अब 60 दिए हैं, 2-3 मिनट हुआ है अभी, तो 2-3 मिनट में कितना टेम्परेचर हो गया ये कैसे पता लगाए? देखिए कैसे पता लगाना है हम बताते हैं, देखिए बंद कर दिए, अब इसको देखिए ऑन करेंगे हम, देखिए 20 टेम्परेचर पे ये लाइट जला नहीं जला, 30 पे जला नहीं जला, 40 पे जल गया, यानी देखिए हमारा 40 टेम्परेचर ये हो चुका है और 40 से मतलब एबव होने लगेगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी हम 60 पे ले जाके छोड़ेंगे ना, तो 60 टेम्परेचर जब हो जाएगा, मशीन चालू नहीं करेंगे या चालू भी कर देंगे फिर भी क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा, अब 60 से आगे करेंगे तब ही जलेगा, तो ये क्या है, ये ऑटो कट है, मतलब जितना टेम्परेचर हो जाने के बाद ही बंद हो जाता है, वही सेम चीज़ है जैसे कि अभी 40 दिखाया था मैं, अब देखिए अभी 40 ही है, जैसे इसको 50 पे ले जा रहे हैं तो ये जल जा रहा है, अब देखिए धीरे धीरे, पहले क्या था कि पहले 30 से आगे करते थे ये बंद होता था, अब क्या है कि अब धीरे धीरे पूरा 40 हो गया, उसके बाद 40 के बाद देखिए अभी 60 टेम्परेचर हो जाएगा तो ये खुद बंद हो जाएगा, तो वेट कर लेते हैं बंद होने का इसका, उसके बाद हम मशीन चालू करेंगे। वीडियो में समय देना होगा आपको, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा हीटर गर्म में नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट सही नहीं निकल रहा है, तो पूरा टेम्परेचर उसको होने दीजिएगा, तब जो है वो जैसे हम 60 टेम्परेचर दिए तो 60 टेम्परेचर तक डाई हमारा हीट होगा तभी तो पत्ता सही बनाएगा। मान लीजिए हम 60 दे दिए और 60 टेम्परेचर के बाद जो है पत्ता सही नहीं निकल रहा है तो और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम 60 पे रख के इसको छोड़ते हैं और देख इसको जो है बूझने का हम इंतज़ार करते हैं, ऑटो कट होने का इंतजार करते हैं।
इसमें अभी ऑटो कट नहीं हो रहा है, तब तक मैं इसमें और ऑप्शन आपको समझा देता हूँ कि ये मशीन में तीन ऑप्शन होता है। एक ऑटो मोड, जो इसको ऑटो पे ला के हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा मैनुअल मोड, कि इसको मैनुअल करके और हम डाउन करेंगे तो ये सिलेंडर डाउन होगा, अप करेंगे तो सिलेंडर अप होगा। तो ये तीनों मोड जो है आता है। अभी हम फिलहाल रोल लगाए हुए हैं इसमें, देख सकते हैं इस तरीके का जो है रोल लगाए हुए हैं, और रोल लगा के जो है पेपर प्लेट का हम निर्माण करेंगे, इसीलिए जो है इसको ऑटो मोड पे रखे हुए हैं। और यहाँ से जैसे ही हमारा हीटर हीट हो जाएगा हम ऑटो चला देंगे। तो सबसे बड़ी बात हीटिंग सेटिंग होती है, कैसे ऑटो कट होता है आज की इस वीडियो से आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और ये अहम जानकारी जो होती है वो अलग वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलता है, लोग नहीं बताते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी चेक करना है तो हम चेक करके देखते हैं। देखिए 50 टेम्परेचर हो गया, पहले 40 पे ले जाते थे, अब 50 पे हो गया, 60 पे रखते हैं, उसके बाद इसका इंतज़ार करते हैं। ये भी 50 हो गया, देख लीजिए थोड़ा सा और होगा, ये 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से पता करना है कि हमारा कितना टेम्परेचर हो गया है। जैसे जितना पे जाके बॉल, देखिए 50 पे जाके बॉल बुत जा रहा है ना, बल्ब जो है बंद हो जा रहा है इंडिकेटर, इसका मतलब हमारा 50 टेम्परेचर डाई का हो चुका है। लेकिन चाहिए हमको कितना, 60 चाहिए, तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एक जो है हमारा हीटर वो 60 टेम्परेचर मतलब ऑटो कट हो रहा है, मतलब जल रहा है बंद हो रहा है, यानी हमारा 60 टेम्परेचर। जैसे इसको देखिए कम करते हैं हम, तो देखिए ये 50 हो चुका है लेकिन हमको 60 लाना है। इसको चेक करते हैं, देखिए ये 50 हो चुका है, अब थोड़ा देर में क्या होगा कि ये 60 हो जाएगा। तो अब मैं वीडियो को रोका हूँ, एक दो मिनट रोका हूँ, यानी टोटल अगर मैं बात करूँ ना तो 5 से 7 मिनट लगा है 50 टेम्परेचर करने में। तो 100 टेम्परेचर करने में हमको कितना लगेगा, हीटर पर होता है, ये छोटा हीटर है तो मतलब 7-8 मिनट में हो गया। यही 13 इंची का रहता तो 50 टेम्परेचर करने में 15 मिनट लगता। तो लगभग जो है, ये देखिए टेम्परेचर चेक करके बताता हूँ कितना हुआ, देखिए 55 हो गया ना अभी, लेकिन हम 60 पे इसको रखते हैं। अब चालू करके दिखाता हूँ कि पहले जो बना था वो ऐसा पत्ता बना था। हम हीटर को गर्म किए हैं, टेम्परेचर किए हैं, उसके बाद अब चालू करते हैं इसको। तो ये हमारा मशीन जो है वर्क करना स्टार्ट कर दी है। अब देख लीजिए, अब देखिए प्लेट का क्वालिटी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले देख लीजिए कि हमारा हीटर कितना पे है, 60 पे है। 60 टेम्परेचर पे कैसा निकाल रहा है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बेहतर, कितना 80 GSM का पेपर है ये, कितना बेस्ट क्वालिटी का निकाल रहा है, आप देख लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि फ़र्क क्या हो जाता है। अब देखिए ये देखिए बिना हीटिंग का कटा हुआ है, और ये जो है फुल हीटर सेटिंग करने के बाद, तो ये देखिए उसके बाद और भी मैं दिखाता हूँ, अभी मशीन में से निकलेगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार का है। ये देखिए अभी ये मशीन में से कट के जो है निकली है, ये देखिए ये जो हमारा इस तरीके का जो है प्रोडक्ट जो है ये देख लीजिए निकल रहा है। तो ये जो है ये हीटिंग टेम्परेचर जो है इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपका जो है ये रोल है, ये 80 GSM का रोल है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताया हूँ कि देखिए हीटिंग होने के बाद, जैसे पहले का प्रोडक्ट देखिए और ये, तो मेन हीटर सीटिंग यह कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, और ये किन्हीं लोगों का ख़राब हो गया है। और देखिए ये पूरा जो है 60 हो गया, तो ये ऑटो कट अप हो गया, यानी हमारा जो है डाई अब टेम्परेचर, अब देखिए अब 70 पे ले जा रहे हैं तब जल रहा है, 60 पे क्या हो जा रहा है, 60 पे ये मतलब बंद हो जा रहा है, यानी 60 पूरा टेम्परेचर हो चुका है हमारे डाई का। तो इसी तरीके से हीटर टेम्परेचर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमको ये अभी इस तरीके का क्वालिटी जो है निकला, देखिए इस तरीके का क्वालिटी निकला, इससे और हार्ड चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अब 80 GSM के पेपर है, हार्ड करने के चक्कर में अब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जल जाएगा। इसलिए जो क्वालिटी में निकलना चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है, उस तरीके का सारा सेटिंग इसी से होगा। तो सेटिंग मैं बता दिया हूँ कि टेम्परेचर दे के अपना देखते रहिए। अब नया लोग है तो 50 दीजिए, 50 टेम्परेचर पर डाई गर्म करके एक दो पीस निकाल लीजिए, उसके बाद उससे ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, उससे ज़्यादा कड़ापन चाहिए तो थोड़ा और बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो यही रूल है डाई सेटिंग करने का, सॉरी हीटर सेटिंग करने का।
बाकी अगर मैं बताऊं कि देखिए जैसे रोल में वेस्टेज आ रहा है, ये देखिए ये, तो इसको कम ज़्यादा कैसे करना है, तो ये यहाँ से होता है, ये यहाँ से होता है, इसको खोल के जितना इधर के तरफ कीजिएगा ना उतना रोल कम आएगा, और इसको खोल करके जितना ऊपर के तरफ कीजिएगा उतना रोल ज़्यादा आएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, तो कम कैसे करेंगे, तो कम कैसे करेंगे, तो इसको खोल के नीचे के तरफ करेंगे थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं वीडियो बना रहा था हीटर सेटिंग पे, लेकिन इसमें आपको दो सेटिंग मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर कोई भी अगर पार्ट्स अगर आपका ख़राब हो जा रहा है तो कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में मैं भेजता हूँ, कैसे भेजता हूँ इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए। और अगर कोई भी पार्ट चाहिए तो ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। साथ ही वीडियो कॉल पे अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो छोटा सा पेमेंट करके, क्योंकि 6 महीने तक फ्री सर्विस रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस व्हाट्सएप पे जुड़िए। और अगर आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करना चाहते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज का ये नंबर दिया हुआ है, आप आइए विजिट कीजिए, यहाँ हर मशीनों को आपको जो है डेमो और डिटेल मिल जाएगा, जिससे अगर नया आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा इस कंपनी में आने के बाद। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।